रामपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता था। मोहन के पास एक आम का बगीचा था जिसमें वह खूब मेहनत करता और अपने परिवार का गुजारा करता था। इस बार मोहन के बगीचे के आम बहुत मीठे और रसीले थे। अरे वाह, इस साल के आम तो बहुत बड़े और मीठे लग रहे हैं। इस बार मुझे अच्छा खासा लाभ होगा अगर मैं इसे अच्छे व्यापारी के पास बेचूं तो। तभी गांव के सरपंच वहां आ जाते हैं और बड़े बड़े रसीले आम देखकर कहते हैं, अरे मोहन, तुम्हारे बगीचे के आम तो बहुत ही बड़े और रसीले हैं। मैं अपने आदमियों को बोल देता हूँ कि यहाँ आकर आम ले जाएं। परंतु मालिक, इस बार के आम बहुत बड़े बड़े और रसीले हैं, तो आप इसके कितने रुपए देंगे? एक किलो के 10 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा 1 रुपए भी नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार सभी लोगों के बगीचे में मीठे और बड़े बड़े आम हुए हैं। नहीं मालिक, आप तो हमसे 10 रुपए का ले लेते हो और बाजार में आप इसी आम की कीमत 200 रुपए किलो में बेचते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे 50 रुपए किलो दूंगा। लेना हो तो लो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। क्या कहा तूने? तेरी दादागिरी निकाल दूंगा। मैं यहाँ का सरपंच हूँ, 2 दिनों में सोच कर बताना, नहीं तो मैं तुझे जेल में डलवा दूंगा। फिर सड़ते रहना जेल के अंदर। इतनी बात बोलकर सरपंच वहां से चला जाता है। फिर मोहन उदास होकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी और बेटे को वह सारी बात बताता है। अब मैं क्या करूं? वो सरपंच ऐसे ही हर साल धमकी देकर मेरे सारे आम सस्ते में खरीद लेता है और बाजार में उसे अच्छे दाम में बेच देता है। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजी, तुम उसे कुछ पैसे बढ़ाने के लिए कह देना और सारे आम उसे दे देना। वो जो बोलता है वो करता भी है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। देखो माँ, हमारा बगीचा सड़क के सामने ही है और सभी लोग वहाँ से रोज आते जाते रहते हैं। अगर हम आम का जूस बेचे तो हमें अच्छा खासा फायदा होगा। बेटा, अगर कोई आया नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना हम इधर के होंगे ना ही उधर के। देखो माँ, अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो हमें कभी भी अपनी जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगी। फिर जो न्याय से मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। अगले दिन से भोला अपने दोस्तों के साथ आम इकट्ठा करने लगा और उसके पिताजी आम का जूस बनाना शुरू किया। आने जाने वाले लोग जूस का ठेला देखकर वहां आकर आम का जूस पीने लगे। अरे भाई, 2 गिलास आम का जूस लगा दो। भोला ने आम का जूस 2 गिलास उन्हें दिया। पीने के बाद ग्राहक ने कहा, अरे वाह, कितना मीठा और स्वादिष्ट आम का जूस है, पीने में मजा आ गया। आने जाने वाले लोग वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आम का जूस पीने आने लगे और कुछ लोग तो केवल आम खरीदने लगे। मोहन ने जितना सोचा था उसे कई ज्यादा पैसे मिले। कुछ दिन बीतने के बाद मोहन के यहाँ एक ग्राहक अपनी पत्नी के साथ आम का जूस पीने आया। मोहन आम का जूस उन्हें पीने के लिए देता है। लो साहब, बहुत ही मीठे आम का जूस है, पी कर बताइए। उसी समय गांव का सरपंच वहां आ जाता है। मोहन थोड़ा सा डर जाता है। फिर सरपंच ने कहा, तेरी ये मजाल, मुझे आम दिया नहीं और तू आम का जूस बेचने लगा। चुपचाप ये सब बंद करके आम मेरे गोदाम में भेज, नहीं तो ठीक नहीं होगा।
इतनी बात सुनकर वहाँ पर खड़े ग्राहक ने कहा, अरे उसका बगीचा, उसके फल वो बेच रहा है, हम खरीद रहे हैं, तू बीच में आने वाला होता कौन है? बिन कुछ बोले यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नहीं तो क्या अच्छा नहीं होगा, तू कहीं का तोप है क्या? एक चुपचाप अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ बड़ी लड़ाई होने वाली है, वरना उनके साथ तुम भी मार खाओगे। अगर मैंने ठान लिया तो तुम्हें जेल में डलवा दूंगा और बाहर भी आने नहीं दूंगा, समझे क्या? वाह, एक आईपीएस ऑफिसर को जेल में डालने की धमकी दे रहा है तू, इसका मतलब तेरे पास बहुत पावर है। रुक, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, उनके आने के बाद तू अपना पावर दिखाना। सर सर सर, आप आईपीएस ऑफिसर हैं, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दो सर। आईपीएस ऑफिसर ने पुलिस को फोन लगाया और उन्हें आने के लिए कहा। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस वाले आ गए और सरपंच को गिरफ्तार किया। बाहर आने के बाद अगर तुम इस बगीचे के आसपास दिखे तो फिर कभी बाहर का नजारा देख नहीं पाओगे, समझे? पुलिस वाले उसे अपने साथ ले गए। धन्यवाद सर, आज आपने हमारी मदद की। जो अच्छे लोग होते हैं और जो अच्छे क्वालिटी का सामान बेचते हैं, मैं उनका हमेशा साथ देता हूँ। वैसे तो तुम्हारा आम का जूस बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट था। उस दिन से जूस के चर्चे हर गांव में होने लगे और लोग दूर दूर से वहां आम का जूस पीने आने लगे। धीरे धीरे मोहन के घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। इस तरह मेहनत और साहस से मोहन के परिवार ने अपने आम के बगीचे को सफलता का स्रोत बना लिया।